बाबा मछुंदर दास। ए बाबा आई आई, अरे आई तनी बैठी हो, आई तनी बैठी, बताई आप हमार तक कौनो तीर्थ यात्रा नहीं कैली जा। अच्छा आप बा घुमल फकीर बानी, तनी कुछ हमार के बताई। देखो बेटा असली सेवा, असली तीर्थ व्रत माँ के चरणों में है बेटा। माँ बाप का सेवा करना ही परम कर्तव्य है। सुनो आज समाज में क्या हो रहा है। माई चश्मा बिन रोवे बेटवा, देता मोबाइल दूला हिनिया के। माई चश्मा बिन रोवे बेटवा, देता मोबाइल दूला हिनिया के। तो भाईल भाईल का ये पंचो यही दुनिया के। और समाज में क्या हो रहा है बालक, गौर से सुनना। कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना बेटा। माँ बाप का अगर दिल न दुखाओगे, उनको खुश रखोगे, तो हमेशा तुम्हें खुशियां ही खुशियां मिलती रहेगी। सुनो और क्या हो रहा है। भेजे ससुरारी पैसा सार के पढ़ाई के। झंखिल घरवा बाबू हर दम दवाई के। भेजे ससुरारी पैसा सार के पढ़ाई के। झंखेल घरवा बाबूजी हर दम दवाई के। और सुनो कैसे भूलल जाता लोगवा माई, बाबू के कोई लकरनिया के। कैसे भूलल जाता लोगवा माई, बाबू के कोई लकरनिया के। तो भाईल भाईल काए पंचो यही दुनिया के।
देखो बालक, आज के परिवेश में अपने माँ को बच्चे माई रे कह रहे हैं, बाकी सासू जी को मम्मी जी सासू माँ कह रहे हैं। क्या जमाना है। कहे भोजपुरिया संजय बदल समाज पा, बेटा तकलीफ है जेकर अपना छपा, माँ 9 महीना अपने बेटा को कोख में रखती है, पैदा करके पालन पोषण करता है माँ बाप, बुढ़ापे की लाठी के लिए। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं। कहे भोजपुरिया संजय बदलत समाज पा, बेटा तकलीफ है जेकर नाज बा, माई खूनवा पहावे भले कुलरवो न गिरे पावे धनिया को। तो भाईल भाईल का ये पंचो ये ही दुनिया को, अच्छा तो बेटा अब हम चले। हाँ बाबा जाई, लेकिन हमन के रवा दहली बाबा। जय बाबा गोरक्षनाथ।